हाँ जी ने पूछा है कि अगर बैठे बैठे कमर दुखने लगे तो शवासन में लेट करके योग लगाया जा सकता है क्या? पहली बात, योग किससे लगाना है? है योग लगाना है शिव बाबा के साथ, और शिव बाबा के साथ योग लगावेंगे तो सिर्फ बुद्धि योग से लगावेंगे या प्रैक्टिकल में भी लगाते हैं? है सिर्फ बुद्धि योग से प्रैक्टिकल में बाबा के साथ योग नहीं लगाते हैं? याद किसकी आती है? हैं? याद उसकी आती है जिसको इन आंखों से देखा जाता है, कानों से सुना जाता है, हाथों से स्पर्श किया जाता है, अथवा कोई भी इंद्रियों से अनुभव करके सुख लिया जाता है तो उसकी याद आती है। ऑटोमेटिक याद आती है, न चाहते हुए भी याद आती है, सहज याद आती है और निरंतर याद आती है। और बाबा भी कहते हैं मुझे निरंतर याद करेंगे तो तुम्हारी योगाग्नि तीखी हो जाएगी, तीव्र योगाग्नि में तुम्हारे सब कर्म भस्म हो जाएंगे। प्रश्न लिखने वाले ने जरूर अनुभव किया होगा कि रात को अमृत वेले जब लेट कर याद करते हैं तो नींद आ जाती है या याद होती है? क्योंकि लेटने के बाद आराम ज्यादा मिल जाता है तो फटाक से नींद आ जाती है। ऐसा होता है कि नींद नहीं आती, ये कमर दर्द की बात हो रही है। तो पहली बात तो ये है कि असली याद में बैठने वाले को दर्द वगैरह सब भूल जाता है। अंतिम समय में जब आत्माओं के वापस जाने का टाइम होगा उस समय बल शरीर सड़े हुए होंगे, खून तामसी बन चुका होगा, तो भी याद ऐसी तीखी होगी जो देह की सुदबुद खून बोल बैठेंगे।
ये तो रही पर्सनल याद की बात। अब संगठन में जब बैठते हैं प्रैक्टिकल में बाप की वाणी सुनते हैं, संगठन में तो पांडवों को तीन पैर पृथ्वी के भी नसीब नहीं होते। बैठने की भी जगह बड़ी मुश्किल से बन पाती है, तो एक एक आत्मा को लेटने की जगह कहां से बनेगी। बाकी बहुत आराम के शौकीन है तो आजकल छोटी छोटी आराम कुर्सियां आने लगी हैं, हल्की भी होती हैं। अपने पास अपने साथ आराम कुर्सी ला के दीवार के सहारे पीछे आराम से बैठ सकते हैं, बाकी नजदीक तो नहीं बैठने को मिलेगा। जो आगे बैठने वाली आत्माएं वो ज्यादा अलर्ट रहती हैं या पीछे बैठने वाले ज्यादा अलर्ट रहते हैं। मुरली में भी बोला है आगे चल करके सोने वालों को या आराम करने वालों को पीछे बिठाए देंगे। इसलिए सभा में ये इच्छा नहीं करनी है कि कमर में दर्द होता है तो हम लेट जाएं सबके सामने। और यहां तो भाई लोग भी बैठते हैं साथ में, भाई बहन दोनों बैठते हैं, भाइयों में लाज नहीं होती है। कन्याओं माताओं में लाज ज्यादा होती है तो बेचारी कन्याएं माताएं तो लेट नहीं सकेंगी, भाई तो फिर भी कोई ज्यादा धाकड़ होंगे तो लेट भी जाएंगे। वैसे बाबा की मना नहीं है, बाबा तो कहते हैं सोफा सेट पर बैठ करके याद में बैठ जाओ, हमारा है ही सहज राजयोग। लेकिन दूसरों की सुख सुविधा का भी ध्यान रखना होता है, इसलिए कोशिश करके दर्द की टैबलेट लेकर के भी बैठ सकते हैं। टैबलेट लेने के बाद दो चार घंटे के लिए दर्द हवा हो जाता है। कौन सा पुरुषार्थ कौन सी सेवा करने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे, अरे सीधा जवाब है ज्ञान का चक्कर घुमावेंगे और सेवा का चक्कर लगावेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। न बुद्धि को चलावेंगे और न सेवा के चक्कर लगावेंगे तो चक्रवर्ती राजा कहां से बनेंगे। और पूछा है कौन सी सेवा करने से ऊंच पद पावेंगे, कोई
भी सेवा हो, चाहे कर्मणा सेवा हो, वाचा सेवा हो, मनसा की सेवा हो, जितना सात्विक स्थिति में करेंगे उतना ऊंच पद पावेंगे, और जितनी तामसी सेवा करेंगे उतना पद भी नीचा हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि वाचा की सेवा करने से ही ऊंच पद मिलता है, झाड़ू लगाने की भी सेवा करे, चाहे गीता पाठशाला में करे, चाहे सेंटर में करे, लेकिन प्यार से करे, मजबूरी से ना करे कि किसी दूसरे ने डायरेक्शन दिया है तो करना पड़ेगा। तो प्यार से की हुई सेवा, भावना से की हुई सेवा ऊंच पद दिलाने वाली बनती है। एक मुरली में बोला है, आत्मा सतो प्रधान बनती है तो शरीर भी सुंदर मिलता है। फिर मुसलमान तो इतने व्यभिचारी होते हैं और गंध खाते हैं तो उनके शरीर इतने सुंदर क्यों होते हैं? लगता है लिखने वाले के देखने में, संसर्ग संपर्क में सुंदर शरीर वाले मुसलमान आ गए। अफ्रीका के अफ्रीकन से नहीं आए। अरे हर धर्म में गंदे से गंदे होते हैं और सुंदर से सुंदर होते हैं। एक मुरली में बोला है, जिनको यहाँ मान मर्तबा मिल जाता है उनको नई दुनिया में कुछ नहीं मिलता, और एक मुरली में बोला गया है स्पीकर बनो। अब हम अच्छे स्पीकर बन ही गए तो पॉपुलर तो हो ही जाएंगे। फिर पॉपुलर होने के बाद हमारे ऊंचे पद लेने का क्या होगा? स्पीकर अच्छे बनने के लिए तो बाबा ने बोला, लेकिन जो भी स्पीच देनी है वो हुजूम इकट्ठा करके स्पीच देनी है या एक एक आत्मा के साथ बैठ करके मेहनत करनी है, क्या ज्यादा अच्छा है? हुजूम के साथ जो स्पीच देते हैं वो पॉपुलर हो जाते हैं, उनका मान मर्तबा बढ़ जाता है। यहाँ तो एक एक आत्मा के साथ बैठ मेहनत करने की बात है। एक एक आत्मा को दृष्टि योग, बाप की याद में बैठ करके समझाना, बाप की याद में बैठ करके उनको अच्छे अच्छे मुरली के पॉइंट्स देना, बाप की याद में बैठ करके वाइब्रेशन देना। अब भी बिचारी स्पीच हो जाती है, अब भी बिचारी स्पीच का जो असर पड़ेगा वो आत्मा को वारसदार बनाता है।
बल स्पीच देने वाले को पॉपुलर नहीं बनावेगा। मान मर्तबा लेने की बात ही नहीं है। शादी होती है, ग्रह न होते हैं और वार में दिन तो सात होते हैं, सप्ताह मनाया जाता है, इनका आपस में कोई संबंध है? सात बार होते हैं और ग्रह न होते हैं, जो सात बार हैं वो सप्तऋषियों से कनेक्टेड हैं। ऋषि पवित्र होते हैं, जो दो और हैं अपवित्र भाषा भी बोलते हैं, शनिदेव और राहु, उनकी इतनी ज्यादा मान्यता नहीं है। पर्चे ही पर्चे आ गए। काशी नगरी छिटक गई। जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष राक्षस पाताल में ले जा रहा था, उस समय की बात है, तो प्रश्न करने वाले ने प्रश्न किया है कि काशी नगरी छिटक गई या छिटकाया गया। ये उस समय की बात है जब काशी नगरी त्रिशूल पर बसाई गई है। हिरण्याक्ष जब सारी पृथ्वी को पाताल में ले जा रहा था, उस समय की बात है। बाबा ने बोला 16,000 से वो प्यार नहीं मिला जो एक लक्ष्मी ने दिया। तो बाबा काशी नगरी ने भी वो प्यार नहीं दिया, तो फिर आनंद कानन काशी का इतना गायन क्यों है? सोलह हजार की लिस्ट में आने वाले राजा रानियों की भी संख्या है या दास दासियों की भी ढेर की ढेर संख्या है? हैं? दास दासियों की भी ढेर की ढेर संख्या है। जो दास दासी होते हैं वो आनंद कानन में आनंद मनाने के लिए अंत में पहुंचते हैं। आदि से अंत तक नहीं रह पाते। ये अंतर है। लक्ष्मी से जो पालना मिलती है वो तो सबको मिलती है।
नत्थु खैरा कैसी भी पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं जो 16,000 की लिस्ट में आने वाली हैं, सब लक्ष्मी के प्यार की अधिकारिणी बन जाती है। प्रश्न दो चार लाइन, दो तीन लाइन का होना चाहिए, लंबा लंबा प्रश्न पढ़ने में ही टाइम चला जाएगा। जल के भीतर गज और ग्रह की लड़ाई हुई, ये ज्ञान में कैसे साबित होता है? ज्ञान में जल किसको कहा जाता है? ज्ञान जल ही है, और ज्ञान भगवान से आता है या रावण जैसे असुरों से आता है? जब भगवान से ज्ञान आता है, ऐसे भगवान से आए हुए जल के भीतर ही युद्ध शुरू होता है, राम और रावण का युद्ध शुरू होता है। माया ग्राह का और पुरुषार्थी गज का, जिसे महारथी कहा जाता है, हाथी सवार कहा जाता है, बाकी स्थूल हाथी की भी बात नहीं है, स्थूल ग्रह की भी बात नहीं है, स्थूल जल की भी बात नहीं है, ये तो बेहद की बातें हैं। अग्नि परीक्षा हुई इसके बाद जो चीज जहाँ से आई है वहीं वापस जाएगी या दूसरी जगह जाएगी? आप अपने घर से आए हैं तो कहाँ जाएंगे? घर ही जाएंगे। आत्मा बेहद के घर से आई है तो कहाँ वापस जाएगी? बेहद के घर में भी जाएगी। तो सीता कोई दूसरी नहीं है, सीता माने ठंडी आत्मिक स्टेज वाली ठंडा पुरुषार्थ है, तीव्र पुरुषार्थ नहीं है। धरणी भारी होती है, तो भारी चीज नीचे रहती है ऊपर रहती है? सीता का पार्टी धरणी का है, तो धरणी से ही निकलती है और धरणी में ही समा जाती है। हाँ जी, अरे तुम तो जोर से बोलो। ये मनोकामना तुम्हारी हाँ, तो क्या पूछना है इसमें? ऐसे ऐसे तुम सारी रामायण की चौपाइयाँ उठाते रहोगे, इसका बेहद का अर्थ बताओ, इसका बेहद का अर्थ बताओ। हाँ, गंगा का आवाहन किया गया है, गंगा का आवाहन किया गया है, और जब गंगा आई तब लट छिटके हुए थे,
उसका मतलब ये है कि ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित रहे हैं तो ज्ञान गंगा तो आई, लेकिन उनके शरीर छोड़ने के बाद शंकर वाली आत्मा के सिर में समा गई, कुछ ज्ञान की जटाएं खुल गईं और कुछ बंद गई, क्योंकि गंगा को भी दैहिक रूप में दिखाया गया है या सिर्फ जल के रूप में दिखाया गया है या ज्ञान जल का प्रतीकात्मक चित्र दिया है। का प्रतीकात्मक चित्र है, इसका मतलब यह है कि ज्ञान गंगा, जल्दी करो, ओहो बहुत अच्छा ज्ञान है, वाह वाह वाह, गंगा है जो आठ मणके हैं वो आसपास रहते हैं और गंगा बीच में रहती है, क्योंकि बाबा ने बोला है जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की जीत हो जाएगी, तो जिन बच्चों से तुम बच्चे कहा है वो आठ मणके होंगे, वो आठ मणकों की जीत तब होती है जब गंगा जैसे सन्यासी आत्माएं निकलती हैं, जिनसे भीष्म पितामह जैसे बच्चों का जन्म होता है, तो ऐसी आत्माओं को बीच में रखेंगे या एक किनारे कर देंगे, बीच में रखा जाता है। नीचे कमल फूल का भी कचरा दिखाया जाता है, तीन काटे होगा फूलों का कचरा दिखाया जाता, कमल फूल समान जीवन है, गुलाब जैसी श्रेष्ठ आत्माएं सात्विक के स्टेज में निकलती हैं, ये ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में तो निकली है, लेकिन जब पहले पहले निकलती है तो सात्विक आत्माएं निकलेंगी या तामसी आत्माएं निकलेंगी, कौन सी आत्माएं पहले निकलेंगी, सात्विक आत्माएं गुलाब के फूल निकलते हैं, गंगा का कनेक्शन है ब्रह्मपुत्रा से, गंगा जब ब्रह्मपुत्रा से जाकर मिलती है तब दोनों नदियों का मोड़ हो जाता है सागर की ओर, सागर से जाकर के मिलती है, तब प्रसिद्ध गंगा सागर का मेला मनाया जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म कहा जाता है उसे, 85वां जन्म नहीं कहेंगे, वो 84वां अंतिम जन्म भी है, और सतयुग का पहला जन्म भी है सतो प्रधान, इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है, आत्मा के 85 जन्म नहीं होते, ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म ही होते हैं। संगम युग में आचार्य चाणक्य का पार्ट किसका है,
चाणक्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था? है भारत को एकता के सूत्र में बांधना और विदेशियों को भारत से भगाना। तो ब्राह्मणों की दुनिया में वो कौन सा पार्ट है जो सब विधर्मियों को खलास कर देता है, दुनिया से भी भगा देता है और भारत से भी भगा देता है और एक सद्धर्म की स्थापना के निमित्त बनता है? है वो ही आत्मा चाणक्य बनेगी। अब भाइयों में भक्ति मार्ग की क्या क्या निशानी होती है? भाई लोग कहते कुछ और हैं, लिखते कुछ और हैं और फिर करते कुछ और हैं। बाबा कमर दर्द के कारण क्लास में कुर्सी पर बैठना पड़ता है, क्या ये अवज्ञा है? कई मुरली में बोला है कि कुर्सी पर नहीं बैठना है क्लास में? नहीं बोला, आराम से कुर्सी पर बैठो, मना थोड़े ही है। लेकिन आराम में आकर के कहीं सो नहीं जाना। गणेश जी तो हाथी का सर कहाँ लगा देते हैं? गणेश जी का सर कहाँ लगा देते हैं? गणेश जी का सर खलास हो जाता है। गणेश जी का सर पहले मनुष्य का था, मनन चिंतन मंथन करने वाला गणेश जी का पहला सिर है। वो मनन चिंतन मंथन जानवर करता है या मनुष्य करता है? मनुष्य करता है। वो मनन चिंतन मंथन करने वाला सर खलास हो गया। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि उनका सर की निशानी नारियल है। नारियल तीन आंखों वाला होता है, वो रियल होता है या नारियल होता है? है सबसे ऊंची स्टेज का फल कौन सा है? नारियल है। तो तीन देवताएं सबसे ऊंची स्टेज वाले हैं। उन तीनों देवताओं में ऊंचे से ऊंची स्टेज वाला कौन है? वही नारियल है। शंकर का पाठ ऐसा पाठ है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। तो रियल है या नारियल है? नारियल है, इसलिए समझ नहीं पाते। मैं जो हूं, जैसा हूं, जिस रूप में पाठ बजाता हूं, उस रूप को कोई बिरले बच्चे हैं जो समझ पाते हैं। आठ ही हैं जो निकलते हैं, बाकी तो उल्टम पट्टा समझ लेते हैं। तो जब पिता से ब्रह्मा की रचना होती है, तो आज ब्रह्मा की किनके द्वारा रचना होती है? मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो शिव अकेला है कि दो है? शिव, मेरी बिंदी का नाम शिव है, वो अकेला है या दो है? अकेला है। और वो अकेला जब इस सृष्टि पर आता है तो प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता है या निवृत्ति मार्ग की स्थापना करता है? है प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता है। तो जब इस प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करना है तो दो में एक साथ प्रवेश करेगा या एक में प्रवेश करेगा? है षष्ठी रचनी है तो षष्ठी साकार है या निराकार?
है, साकार है। और साकार सृष्टि में रचने के लिए दो चाहिए या एक? दो चाहिए। तो दोनों में साथ साथ प्रवेश करता है। एक है भक्ति और एक है ज्ञान। भक्ति है सीता, तुम सब सीताएं हो, तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब द्रौपदियां हो। परंतु सीता एक होती है या दो होती है? एक सीता वो जिसे रावण ले जाता है और एक सीता वो जिसकी राम पहले से ही सुरक्षा कर देते हैं। तुम पावक में करो निवासा, तब लगी करो निशाचरनाशा। तुम योगाग्नि में निवास करो, तब तक मैं इन आसुरों का विनाश करता हूं। तो सेवा दो विशेष देहधारी हैं जिनमें प्रवेश करता है साथ साथ, एक जगदम्बा और एक जगत पिता। जगत पिता शंकर को कहा जाता है, वो सारे जगत का पिता है, उसको पिता कोई भी नहीं है। भूसा आपको प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाला है, उसकी प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाला कोई भी नहीं है। तो एक है बीज बाप और दूसरी है धरणी जगदम्बा या सीता, दोनों में साथ साथ प्रवेश होता है। एक के द्वारा भक्ति का फाउंडेशन, सुनने और सुनाने का फाउंडेशन पड़ता है और दूसरे के द्वारा समझने और समझाने का फाउंडेशन पड़ता है, उसे कहते हैं ज्ञान। इसलिए बोला है कि ब्राह्मण बनने बगैर प्रजापिता था क्या? और ब्राह्मण किसकी औलाद होता है? तो पहला ब्रह्मा कौन हुआ जिसकी औलाद प्रजापिता हुआ? पहला ब्राह्मण जगदम्बा आदि ब्रह्मा हुई, आदि देवी, आदि शक्ति। जब दोनों ने एक साथ प्रवेश किए तो पहला किनको गिना जाएगा? बच्चा पैदा होता है एक से पैदा होता है या दो से? तो दो में पहले कौन है और बाद में कौन है? है पहले पिता है, और माता ना हो तो पिता कहां गिरेगा जाके? क्या हुआ? पहले नंबर की जो बात आई वो पहले माँ हुई, बाद में पिता हुए, तो जब दोनों। अरे जब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण बनने से पहले कौन है? फिर ब्राह्मण बाद में या ब्रह्मा बाद में? दोनों में प्रवेश किए तो जिसमें प्रवेश करता उसका नाम ब्रह्मा पड़ता, तो वो फिर ब्रह्मा नाम होना चाहिए। वो प्रजापिता ब्रह्मा है, पिता माने बीज, वो ज्ञान का बीज है, वो फाउंडेशन है, धरणी है,
जड़ है। प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे उन्हें ब्रह्मा कहेंगे। हाँ जी, वो प्रजापिता ब्रह्मा है, ब्रह्मा नहीं है। जो ब्रह्मा है सो विष्णु है, तो चार ब्रह्मा हैं, चारों ही मिलकर क्या बनते हैं, विष्णु का रूप। लेकिन जो विष्णु का रूप है, चार भुजाओं का कॉम्बिनेशन, वो स्वयं संचालित है या उन चार भुजाओं को चलाने वाला कोई और है, कौन है? वो ही प्रजापिता है। माताएं नारियल क्यों नहीं फोड़ती? पिता पावरफुल होता है या माता ज्यादा पावरफुल होती है? हैं? तो फोड़ेगा कौन? कौन किसको फोड़ेगा? और यदि माता तोड़ दे तो, यदि कोई नहीं है घर में, यदि माता तोड़ दे तो क्या होगा? है? यदि घर में पिता नहीं है, लड़के नहीं है, तो माँ तोड़ दे तो क्या होगा? अरे घर में कोई तो होगा दूर दराज का, माँ तोड़ देगी तो होगा ना? अगर ऐसा हो जाए, अगर वैसा हो जाए, अगर धरती फट जाए, अगर आसमान में आग लग जाए, अगर समंदर में आग, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर मगर का कहां सवाल है, यहाँ तो भक्ति मार्ग की परंपराओं की बात है। कुबेर रावण का बड़ा भाई था, रावण ने कुबेर से युद्ध किया और उसका पुष्पक विमान ले लिया, कुबेर ने दे दिया। तो कुबेर इतनी श्रेष्ठ आत्मा इतने निष्कृष्ट परिवार में क्यों जन्म लेती है? परिवार में मुखिया कौन होता है, बाप या माता? बाप मुखिया होता है, परंतु माता का भी कोई महत्व है या नहीं है? है? है। माता अगर अच्छे कुल स्वभाव संस्कार की है तो बच्चा भी अच्छे स्वभाव संस्कार का होता है, और माता अगर नीच संस्कार की है, नीच कुल की है, तो बच्चा भी नीच खून का बन जाएगा। तो कश्यप को दो पत्नियां दिखाई गई हैं। ये कश्यप कोई दूसरा नहीं है, काश्य कहते हैं याद का तेज, अप्पा माने पीने वाला, याद का तेज पीने वाला कौन सा देवता दिखाया गया है? हैं? शंकर, वो ही कश्यप है। उसको दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति माने खंडित और अदिति माने अखंड। जिसका अखंड ब्रह्मचर्य रहा वो अदिति थी, और जिसका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया वो दिति। दिति से दैत्य पैदा होते हैं। यहां भी ऐसे ही है, ब्राह्मण काल में, ब्राह्मण जीवन में जिन कन्याओं माताओं का
ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, व्यभिचारिणी बन जाती है। उनका आसुरी जन्म होगा ज्यादा, ज्ञान में आने के बाद की बात है, ज्ञान में आने से पहले की बात नहीं। और जिनका ब्रह्मचर्य अखंड रहता है, एक बाप की ही बन करके रहती है, कोई देहधारी से लगाव झुकाव संग का रंग नहीं लेती, उनसे देवताओं जैसी आत्माओं का जन्म होता है। तो ये दिखाया गया है, कुबेर तो ऊंचे में ऊंचा श्रेष्ठ देवता था, और रावण तो राक्षस था। रावण की जन्मदात्री दिति थी, खंडित ब्रह्मचर्य वाली। और कुबेर तो देवता था, दिति उसकी माता नहीं हो सकती, अदिति उसकी माता थी, अखंड ब्रह्मचर्य वाली। इसलिए एक ही परिवार में पिता एक होते हुए भी दो प्रकार के विरोधी स्वभाव संस्कार वाली आत्माओं का जन्म हो सकता है। उदाहरण के लिए, वही आलू का बीज उत्तर भारत में पैदा होता है और वही आलू दक्षिण भारत में पैदा होता है। दक्षिण भारत में कहते हैं आलू हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, शरीर में दर्द पैदा हो जाता है, और उत्तर भारत में आलू ही मुख्य भोजन हो जाता है गरीबों का। तो क्या फर्क हो गया? धरणी धरणी का फर्क हो गया। दक्षिण भारत को कहा है भारत का विदेश, जैसे कि विदेशी धरणी है। द्वापर युग से पहले दक्षिण भारत की धरणी थी ही नहीं, ये विदेशी धरणियां आती हैं बाद में। पहले एक भारत की ही धरणी थी, उत्तर भारत। काशी नगरी गड्ढे में जाने से बच गई, पाताल में जाने से बच गई, तो ब्रह्मा सरस्वती शंकर पार्वती विष्णु लक्ष्मी कैलाशवासी रुद्रगण और कुछ देवताएं गड्ढे में जाने से बच गए। तो अकेले काशी कैसे बची? काशी रुद्रगण है या नहीं है? है? काशी भी तो रुद्रगण है। और रुद्रगणों में श्रेष्ठ नंबर है, तो और रुद्रगण बचेंगे तो वो भी बचेगी। पर्सनल बातें सभा में नहीं पूछना है। बाबा ने मुरली में बोला है कि जो चुल पर सो दिल पर, मधुबन वाले चूल्हे पर खाना बनाते हैं,
तो बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए हैं। तो बाबा ने ऐसे क्यों कहा कि अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे? ये कौन से भोजन की बात है? है ज्ञान भोजन की बात, ब्रह्मा भोजन की बात बताई। वो ब्रह्मा भोजन ऐसे नहीं है कि मधुबन में ही बनता है। गीता पाठशालाओं में नहीं बनता है, है? बनता है या नहीं बनता है? गीता पाठशालाओं में बाप का जाना आना नहीं होता है? अगर नहीं होता है तो भारत में इतने गीता मंदिर कहां से बन गए यादगार? जरूर गीता के भगवान ने आकर गीता ज्ञान सुनाया है गीता मंदिरों में, गीता पाठशालाओं में। और जहां ज्ञान आकर के सुनाया है वहां ब्राह्मण भी जरूर इकट्ठे होते हैं, भले कम इकट्ठे होते हो या ज्यादा इकट्ठे होते हो। और गीता पाठशालाओं के लिए ये भी बोला है कि गीता पाठशाला का नक्शा ऐसा बनाओ जैसे मधुबन। तो क्या गीता पाठशालाएं मधुबन का रूप नहीं ले सकती? तो मधुबन में भी ब्रह्मा भोजन बन सकता है और गीता पाठशालाओं में भी ब्रह्मा भोजन बन सकता है। बाप की याद में बनाना और बाप की याद में खाना और बाप की याद में दूसरों को खिलाना, ये ब्रह्मा भोजन है। बनाने वाले याद में रहने वाले होने चाहिए या दुनिया की याद करने वाले होने चाहिए? अगर याद में रहने वाले ने भोजन बनाया तो वो ब्रह्मा भोजन है। और बाहर की दुनिया में जिनकी बुद्धि धरी रहती है फिर भी किचन में घुसे रहते हैं, लड्डू पेड़ा खाने की चाक में, तो उनका पाप बनता है या पुण्य बनता है? पाप बनता है। मिनी मधुबन में नहीं, गीता पाठशाला का नक्शा ऐसा बनाओ जैसे मिनी मधुबन या मधुबन। मकान से मधुबन नहीं बनता है, जो संगठन तैयार होता है उससे मधुबन बनता है। जहां बाबा के बच्चों के अलग अलग रहने का ठीक से प्रबंध हो, भाई लोग भी अलग से रह सकें, माताएं भी अलग से रह सकें, सरेंडर्ड हैंड्स भी अलग से रह सकें, नॉन सरेंडर्ड भी अलग से रह सकें, और एक बाप का कंट्रोल हो, किसी दूसरे का कंट्रोल न हो, उसको कहते हैं मधुबन। बाबा जी, दुनिया में धन का स्वामी कुबेर को माना जाता है, लेकिन सेठ लोग कुबेर की पूजा नहीं करते हैं, धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी को धन देवी क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है
कि धन लक्ष्मी के पास भी कहां से आता है? नारायण से आता है। और कुबेर के पास भी धन कहां से आता है? हैं? तिरुपति में जितना भी धन का चढ़ावा होता है क्या मान्यता है? वो धन कहां जाता है? हैं? वो धन सारा कुबेर को देना होता है। लोन चढ़ा हुआ है, तिरुपति महाराज के ऊपर। तो जो भी कमाई होती है वो सारी कमाई किसको दे देते हैं? हैं? कुबेर को देते। कहां की यादगार है? जब नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ा था तो लक्ष्मी ने डाला था या परदादी ने डाला था? जो परदादी है वो ही कुबेर है। तो जिसने फाउंडेशन डाला है उसको भर करके देना भी पड़ेगा। इसलिए कुबेर जो है वो धन का स्वामी है। जैसे कोषागार होता है, बाकी धन बांटने वाला नहीं है, क्योंकि रुद्रमाला का मणका है। जो भी रुद्रमाला के मणके हैं वो पुरुष स्वभाव संस्कार के हैं या स्त्री स्वभाव संस्कार के हैं? जो लक्ष्मी है वो स्त्री स्वभाव संस्कार वाली है, वो अच्छी पालना करती है। इसलिए पालना के हिसाब से लक्ष्मी को जो धन दिया जाता है वो परदादी से आता है। परदादी से बच्चे को मिलता है नारायण को, या डायरेक्ट लक्ष्मी को मिलता है? हैं? पहले नारायण को मिलता है। नारायण हिस्सेदार तब बनता है जब रुद्रमाला के मणकों के बीच में कोई भी उस धन को बांटने वाला नहीं होता है। कुबेर ही परिवार की पालना करता है। इसलिए फाउंडेशन पड़ता है नई दुनिया का। सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों मिलकर के पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना होती है। अकेले सूर्यवंश से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना नहीं हो सकती, इसलिए लक्ष्मी को निमित्त बनाया जाता है। दुनिया में भी ऐसे ही परंपरा है। जब गृह लक्ष्मी घर में आ जाती है तो सास ताले चाबियां किसको दे देती है? हैं? किसको देती है? बहू को अर्पण कर देती है। किसकी आज्ञा से? गृहपति की आज्ञा से। अच्छी बात है, जब अर्धांगिनी है तो आधा हिस्सा उसको दे दो घर चलाने के लिए। अर्धांगिनी है कि नहीं तो आधा हिस्सा कमाया हुआ दे दो। पुरुष की आधी कमाई पर अर्धांगिनी का हिस्सा है।
वो आधी कमाई में से चाहे तो घर खर्च करे और चाहे तो उसमें से बचा करके ईश्वरीय सेवा में लगाए। पुरुष तो हमेशा कमा के ला के रखता रहता है और धरनी को कितना कम समय दे दे। पुरुष तो सारा रख लेते हैं, झूठ मत बोलो। जब तक उधर पड़ती तब माँ बाप पुरुष नहीं को देते हैं, नहीं देते हैं तो जान जाएंगे। ज्यादा बातें ना बनाओ। तुम्हारी युगल चलती है कि नहीं ज्ञान में? पधरौनी करवा में एक एक बात पूछ के। बाबा ने कहा है कि एक जन्म स्त्री का, एक जन्म पुरुष का, सभी को लेना पड़ता है। ये बात हमेशा हर जन्म में हरेक के लिए लागू नहीं होती है, क्योंकि कोई कोई आत्माएं दो दो जन्म स्त्री के लेती रहती है और कोई कोई आत्माएं दो दो जन्म लगातार पुरुष के लेती रहती है। ये ब्राह्मणों के संगम युगी पुरुषार्थ के ऊपर है। जो जैसा पुरुषार्थ करता है वैसा उसका हिसाब बच जाता है। तो एक जन्म स्त्री एक जन्म पुरुष का लेना होता है। तो बाबा सीता के लिए कहा है कि सीता होती है शीतल स्वभाव वाली, तो जब सीता द्वापर कलयुगी जन्मों में पुरुष बनेगी तो शीतल स्वभाव की होगी क्या? सीता स्त्री का नाम है या पुरुष का नाम है? सीता तो स्त्री का नाम है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि रुद्रमाला में जितने भी मणके हैं उन मणकों के बीच सबसे कम जन्म पुरुष के कौन सी आत्मा लेगी? रुद्रमाला के 108 मणके, उन 108 मणकों में अंतिम मणका कौन सा है? सीता। तो अंतिम मणका पुरुष के कम जन्म लेगा या और मणके पुरुष के कम जन्म लेंगे? अंतिम मणका ही सबसे कम जन्म लेगा। और जो भी जन्म लेगा उन जन्मों में पुरुष स्वभाव संस्कार तो आवेगा ही, ऐसे नहीं स्त्री का संस्कार रह जाएगा।